तो एक बार फिर सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग को मैच खेलते हुए देख सकते हो, वो भी एक दूसरे के अपोजिट। राधे राधे, अभी बज रहे शाम के 7 और अभी ब्लॉग चालू करने का ये कारण है कि आज ही मुझे पता चला कि हमारे ग्रेटर नोएडा में IVPL हो रहा है, मतलब इंडियन वेटेरियन प्रीमियर लीग, जो कि ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। और लकीली आज मेरे पास उसका पास भी आ गया, तो बस क्या था फिर पास जब आ गया तो हम रेडी होकर तैयार हो गए और अभी हम जा रहे हैं देखने मैच। और फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसा मैच हो रहा है और कौन कौन वहाँ सेलिब्रिटी क्रिकेटर आते हैं जो इंडियन टीम में खेल चुके हैं या फिर कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसा भी जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गो, चलते हैं। बहुत ही उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा मैच देखने के लिए और जिंदगी में पहली बार मैं स्टेडियम में मैच देखने जा रहा हूं, तो उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल है। मैं पहुंच गया स्टेडियम के बाहर, तो गाइस मैं आ तो गया स्टेडियम के बाहर और अभी मुझे पता चला यहां पर जो है ना हमारे दो नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर भी यहां पर क्रिकेट खेलेंगे, जो कि फर्स्ट तो है मिस्टर IPL मतलब सुरेश रैना सर और दूसरा हमारे वीरू सर मतलब वीरेंद्र सहवाग। इन दोनों के बीच में मैच है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे टीम के कैप्टन हैं और ये देख सकते हो स्टेडियम यहां पर है। तो बस अब कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं पास लेने के लिए, मेरे पास 5 पास है, तो बस अब 5 पास लेके और उसके बाद मैं एंट्री करता हूं, उसके बाद अंदर दिखाऊंगा कि मैच कैसा क्या चल रहा है। तो फाइनली मैं स्टेडियम में एंट्री कर चुका हूं और जो मैच हो रहा है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश वर्सेस मुंबई चैंपियन के बीच में। तो उत्तर प्रदेश के जो कैप्टन है वो हमारे सुरेश रैना और जो मुंबई चैंपियन का कैप्टन है वो हमारे वीरेंद्र सहवाग। तो अभी जो बैटिंग कर रही है वो कर रही है उत्तर प्रदेश टीम जिसके कैप्टन है सुरेश रैना और फील्डिंग पे है मुंबई चैंपियन जिसके कैप्टन है वीरेंद्र सहवाग। और मुझे तो सिर्फ दो प्लेयरों की बैटिंग देखनी है, एक तो हो गए हमारे सुरेश रैना और दूसरे जो है हमारे वीरेंद्र सहवाग, तो देखते हैं कि कौन कितने ज़्यादा रन बनाता है। तो फाइनली 2 विकेट के बाद हमारे मिस्टर IPL मतलब सुरेश रैना सर आगे बैटिंग पे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL से संन्यास लेने के बाद भी अपनी आंखों के सामने सुरेश रैना सर को खेलते हुए देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैंस सब उत्तर प्रदेश को सपोर्ट करने आए, मतलब सुरेश रैना सर की टीम को सपोर्ट करने आए। और अनलकीली कुछ देर के बाद 4 बॉल पे 1 रन बना के सुरेश रैना सर आउट हो गए, वो भी बोल्ड, और उस चीज़ को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब दुख हो रहा था। 3 मार्च को इसका फाइनल है और अगर उत्तर प्रदेश फाइनल में पहुंचती है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि 3 मार्च को इसका फाइनल का ब्लॉग भी अपलोड होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए फाइनल मैच का। तो उत्तर प्रदेश के दमदार बल्लेबाजी के बाद 176 का इनका स्कोर हुआ और 177 का टारगेट है मुंबई चैंपियंस के लिए। बाजी भाई बाजी की बाजी सेकंड इनिंग चालू हो गई है और यहाँ पर अभी देख सकते हो जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो आ चुकी है पूरे फील्डिंग पे और मुंबई की टीम से वीरेंद्र सहवाग आ गए हैं बैटिंग पर। ओ ओपनिंग पे आ गए भाई वीरेंद्र सहवाग, ओपनिंग पे देख 10 रुपए की बैट से और लिटरली मुंबई चैंपियंस आते ही धागा खोलने लगे एकदम और वीरेंद्र सहवाग ने तो भाई साहब सच में धागा खोल दिया। तो देख सकते हो 3 नंबर पे हमारे हैं मिस्टर IPL रैना और बैटिंग पे है अभी वीरेंद्र सहवाग। डिसीजन पेंडिंग, छक्का है कि चौका है, लेट्स सी देखते हैं क्या है, छक्का है चौका है, अंपायर भी पता चला कुछ, अंपायर बताया भाई साहब, अंपायर को कैसे नहीं पता, सहवाग ने शॉट मारा है, पता नहीं कि छक्का है या चौका है। मैच के बीच में ऐसा होता है सहवाग सर के जूते हो गए खराब, तो उन्होंने जूता उठा लिए, जूते के लिए बोला तो जूता लेके आया। उसके कुछ देर बाद 35 रन बना के वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए। वीरेंद्र सहवाग के आउट होने के बाद मेरा इंटरेस्ट मैच से खत्म हो गया और मैं निकल पड़ा अपने घर की ओर। और बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं 3 मार्च को इसके फाइनल डे पे, इसलिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो 3 मार्च का फाइनल देखना चाहता है। और ये ग्रेटर नोएडा में हो रहा है शहीद विजय प्रतीक स्टेडियम में जो कि सिटी पार्क और GP के पास है, तो आप आ सकते हो और अपना टिकट बुक माय शो ऐप से आप बुक कर सकते हो और वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो ठीक है, मिलते हैं फाइनल डे पे, राधे राधे।